मैं हूँ आपका होस्ट डॉक्टर मोहम्मद मुख्तियार। सबसे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है ज़ोफेबाह, सेक्सुअल ड्यूबलिटी। ये क्या चीज़ है इसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। ये अक्सर अमराज जो है ना बहुत ज़्यादा हो गई हैं, इसके हवाले से आज मैं आपको बताऊँगा। ज़ोफेबाह का मतलब मर्दाना कुव्वत का कम होना है। इस मर्ज में मर्द जमा का फेल पूरी तरह सर अंजाम नहीं दे सकता। ऐसे मर्द को उस पर सादगी बहुत कम होती है, थोड़ी देर के लिए नाकस होती है। गर्ज ये कि मर्दाना आला तनासुल के कमज़ोर होने को कुव्वत बाहा की कमज़ोरी कहते हैं। इस मर्द में मर्द को उस्तादगी पूरी नहीं होती, आला तनासुल में तनाव और अकड़ाव कम हो जाता है और की अंदामे नहानी में बामुश्किल ही दाखिल हो पाता है और आखिरकार बगैर मुकम्मल उस्तादगी के अंजाल हो जाता है। ज़ोफेबाह में जमा के लिए इंतज़ार करना पड़ता है और बेलज़त सी मुबाशरत होती है, जबकि इसी वक्त दोबारा मुबाशरत नामुमकिन सी हो जाती है। कुव्वत बाह की कमज़ोरी की वजूहत दो किस्म की होती हैं। एक किस्म की वजूहत ऐसी होती है जो कि मुस्तकिल तौर पर कुव्वत बाह की कमी का बायस बनती है, जिनमें तनासिल अज़ा में पैदाइशी नुक्स होना, मशज़नी कसरत जमा, गैर फितरी जमा करना, मर्द की उम्र ज़्यादा हो जाना, बड़ी उम्र की औरत से शादी करना, जिनसी जज्बात की कमी होना, जिनसी हारमोन्स की कमी होना और जिस्मानी कमज़ोरी होना शामिल हैं। जबकि दूसरी किस्म की वजूहत ऐसी होती हैं कि जो कि महज वक्ती तौर पर कुव्वत बाह की कमी का बायस बनती हैं, जिनमें खौफ और दहशत, टेंशन और डिप्रेशन, मर्द की मर्जी के बगैर ज़बरदस्ती फेल सर अंजाम देना, कम वक्त में जल्दी मुबाशरत की कोशिश करना, परेशानी, सदमा वगैरह का होना, नशा आवर अशिया का इस्तेमाल करना, जिनसी मुखालिफ से इंतहाई मरूब होना और ज़्यादा देर तक जज्बात अरूज पर होना और मौके पर कम हो जाना शामिल है। ज़ोफेबाह के इलाज के सिलसिले में याद रखें कि वक्ती तौर पर वजूहात आम तौर पर खुद ब खुद ठीक हो जाती हैं, नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ असाबी ताकत की अद्वियात देनी पड़ती हैं, जबकि मुस्तकिल तौर पर वजूहात को ठीक करने के लिए असाबी टानिक के साथ जिनसी जज्बा की तहरीक के लिए दवाएं भी इस्तेमाल कराई जाती हैं। ज़ोफेबाह के मरीज में आम तौर पर आगे बयान किए गए होम्योपैथिक नुस्खा जार इंतहाई कारामद और मुफीद हैं, और ये जो मेरा पर्सनल ज़ाती एक्सपीरियंस है वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। ज़ोफेबाह के लिए इंतहाई कारामद नुस्खा हैं अवेनस टावर क्यों ले लें, अल्फल्फा क्यों ले लें, जिनसिंग क्यों ले लें और फास्फोरस क्यों ले लें, यूहेम्बिनम क्यों ले लें, एसड फास क्यों ले लें, एग्नेस कॉस्टिस क्यों ले लें, डेमियाना क्यों ले लें और स्लेगलिस नाइग्रा स्टेफिसेग्रिया क्यों ले लें। ये सब को मिलाकर आपने ना इसके 15-15 कतरे सुबह दोपहर शाम गर्म पानी में पीने हैं, निहारमो और इंशाल्लाह इससे रिजल्ट मिलेगा। ज़ोफेबाह के लिए मुजरब नुस्खा एक और भी है, इसके लिए डेमियाना क्यों ले लें, एग्नेस कॉस्टिस क्यों ले लें, यूहेम्बिनम क्यों ले लें और एवेना स्टेवा क्यों ले लें। ये आप मिला लें और इसके 15-15 कतरे सुबह दोपहर शाम 3 टाइम इस्तेमाल करें और इंशाल्लाह इसका इतना रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा आपको।